महत्वपूर्ण है। अभी तक जितने भी लोकसभा चुनाव हुए उसमें अक्सर दिल्ली के लोग प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दिया करते थे, लेकिन इस बार दिल्ली के लोगों ने ठान लिया है कि प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट नहीं देंगे। कई बार वोट दे लिया प्रधानमंत्री बनाने के लिए, दिल्ली के लोगों को कुछ नहीं मिला। इस बार दिल्ली के लोग पूर्ण राज्य के लिए वोट देंगे। उस मायने में ये वाला लोकसभा चुनाव दिल्ली के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पिछले 70 साल से दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, पिछले 70 साल से दिल्ली के लोगों का शोषण हो रहा है और दिल्ली के लोगों का अपमान हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, उन्होंने कहा था कि एक आदमी का एक वोट होगा, चाहे वो तमिलनाडु का रहने वाला हो, चाहे आंध्र प्रदेश का रहने वाला हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल का रहने वाला हो, चाहे आसाम का रहने वाला हो, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, चाहे किसी भी धर्म का हो किसी भी जाति का हो, हर आदमी का एक वोट होगा। लेकिन इन लोगों ने दिल्ली के लोगों का अपमान किया और दिल्ली के लोगों का आज आधा वोट है और बाकी पूरे देश के लोगों का एक वोट है। 70 साल से दिल्ली के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, 70 साल से दिल्ली के लोगों का शोषण किया जा रहा है। आज दिल्ली सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे, बॉम्बे सबसे ज्यादा इनकम टैक्स इकट्ठा करके देता है केंद्र सरकार को, दिल्ली दूसरे नंबर पे इनकम टैक्स इकट्ठा करके देती है केंद्र सरकार को। 1.5 लाख करोड़ रुपए का इनकम टैक्स दिल्ली के लोग इकट्ठा करके सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं और बदले में सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली पे केवल 325 करोड़ रुपए खर्च करती है। ये सरासर नाइंसाफी है। गोवा जो कि एक छोटा सा स्टेट है जिसकी आबादी 15 लाख है, गोवा को केंद्र सरकार गोवा पे 3200 करोड़ रुपए साल के खर्च करती है। दिल्ली की आबादी 2 करोड़ है, दिल्ली पे 325 करोड़ रुपए खर्च करती है जबकि सबसे ज्यादा टैक्स हम देते हैं। गुजरात पे 26,000 करोड़ रुपए टैक्स इकट्ठा खर्च करती है केंद्र सरकार। उत्तर प्रदेश पे 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है केंद्र सरकार, लेकिन दिल्ली के ऊपर केवल 325 करोड़ जबकि सबसे ज्यादा टैक्स हम देते हैं। हम पूछते हैं भाई ऐसा क्यों, तो कहते हैं क्योंकि दिल्ली आधा राज्य है, दिल्ली पूरा राज्य नहीं है। तो दिल्ली अगर आधा राज्य है तो दिल्ली को आधा राज्य क्यों रखा हुआ है? 70 साल के अंदर सारे राज्य पूरे हो गए, सारे राज्य पूर्ण बन गए, केवल दिल्ली बचा है जो आधा राज्य इन्होंने छोड़ा हुआ है। तो दिल्ली को आधा राज्य क्यों किया हुआ है? दिल्ली के लोगों ने हमें 4 साल पहले बहुमत दिया था, जितने हमारे जिम्मे काम थे वो सारे काम हमने खूब अच्छे किए। हमारे जिम्मे स्कूलों का काम था, अस्पतालों का काम था, मोहल्ला क्लिनिक का काम था, पानी का काम था, बिजली का काम था, सड़कों का काम था, गलियों का काम था, सीवर का काम था, नालियों का काम था, ये सारे काम हमने खूब अच्छे किए। हालांकि इन कामों में इन लोगों ने खूब अड़चन लड़ाई, काम नहीं करने दिए हम लोगों को। आप लोग जानते हैं कि किस तरह से 10 दिन तक एलजी हाउस के अंदर घुस के हम लोगों को अनशन करना पड़ा था। मनीष जी और सत्येंद्र जैन जी ने 10 दिन अनशन किया था सीसीटीवी की फाइल क्लियर कराने के लिए। ऐसे कैसे सरकार चलेगी, ऐसे कैसे काम चलेगा? जब तक दिल्ली को पूरा राज्य नहीं होगा, जब तक दिल्ली सरकार को पूरी पावर नहीं होगी, तब तक कैसे काम चलेगा? फिर भी जितने काम हमारे जिम्मे थे वो हमने पूरी मुस्तैदी के साथ किए। लेकिन अब बहुत सारे दिल्ली के ऐसे काम हैं जो तब तक पूरे नहीं हो सकते जब तक दिल्ली पूरा राज्य ना बन जाए। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है महिलाओं की सुरक्षा। आज दिल्ली में महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। आज दिल्ली के अंदर गली गली में नशा बिक रहा है, दिल्ली के अंदर गली गली में नकली शराब बिक रही है, जिसकी वजह से महिलाएं चारों तरफ बहुत ज्यादा असुरक्षित महसूस करती हैं। दिल्ली के अंदर चारों तरफ खूब गुंडागर्दी हो गई है, दिल्ली के अंदर चारों तरफ चोरी डकैतियां हो रही हैं। लोग कहाँ जाएं? अगर पुलिस के पास जाते हैं पुलिस सुनती नहीं है, पुलिस सुनती नहीं है तो लोग किसके पास जाएं? उनके मुख्यमंत्री के पास पावर नहीं है क्योंकि पुलिस मुख्यमंत्री की सुनती नहीं है। पुलिस सीधे आती है होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के अंडर में। अब होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के पास तो टाइम नहीं है लोगों से मिलने का, तो लोग कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? अगर पुलिस उनकी ना सुने, महिलाओं के साथ कुछ गलत काम हो जाए तो लोग किसके पास जाएं? दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी
तो दिल्ली के अंदर ऐसी व्यवस्था हम लोग कर देंगे कि रात को 11 बजे के बजे भी अगर कोई लड़की अपने घर से बाहर निकलेगी तो किसी की मजाल नहीं होगी जो उसकी तरफ आंख उठा के देख सके। जैसे दिल्ली में सरकारी स्कूल ठीक किए, सरकारी अस्पताल ठीक किए, ऐसे ही दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था भी ठीक करेंगे। आज दिल्ली के बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। हमने इनको कई बार कहा कि दिल्ली सरकार में जितनी वैकेंसी है उस पर 85% हमारे दिल्ली के बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन ये लोग सुन नहीं रहे। आज दिल्ली सरकार में इतने काम चल रहे हैं, अगर आज वैकेंसियां निकाली जाएं 2 लाख से ज्यादा, इतने स्कूल बना रहे हैं हम, इतने अस्पताल बना रहे हैं, इतने सीवर पानी सड़कें बना रहे हैं, 2 लाख से ज्यादा वैकेंसी निकल सकती हैं, लेकिन वैकेंसी निकालने की पावर उनके मुख्यमंत्री के पास नहीं है। दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी तो लोगों को नौकरी मिलेगी, 85% नौकरियां दिल्ली वालों के लिए सुरक्षित करेंगे और दिल्ली में खूब सारी वैकेंसीज निकलेंगी। आज हमारे दिल्ली के बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता दिल्ली के बच्चों को एडमिशन? दिल्ली के कॉलेजों में 85% सीट दिल्ली के बच्चों के लिए होनी चाहिए। इसके अलावा मनीष जी ने केंद्र सरकार को प्रपोजल भेजा था 4 साल पहले कि दिल्ली में हम नई यूनिवर्सिटी कॉलेज खोलना चाहते हैं। उन्होंने नई यूनिवर्सिटी खोलने का अभी तक हमें परमिशन नहीं दी। दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी तो हमें उनसे परमिशन लेनी नहीं पड़ेगी। हम दिल्ली में नई यूनिवर्सिटी खोलेंगे, नए कॉलेजेस खोलेंगे, इतने कॉलेज खोल देंगे कि 2 साल के अंदर दिल्ली के फर्स्ट डिवीजन वाले बच्चों को भी अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलेगा। आज 95% आने के बाद भी बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता। आज सारी दिल्ली में सीलिंग चल रही है। सीलिंग की वजह से व्यापारी परेशान है, केंद्र सरकार उनकी सुनती नहीं है, केंद्र सरकार को कोई लेना देना नहीं है व्यापारियों से। आज अगर दिल्ली पूर्ण राज्य होती 5 मिनट के अंदर दिल्ली के अंदर सीलिंग बंद करा देते, दिल्ली सरकार ऑर्डिनेंस पास करके 5 मिनट के अंदर दिल्ली में सीलिंग बंद करा देती। उसी तरह से जितने कच्चे कर्मचारी हैं, ठेके पे काम कर रहे हैं, उन सभी कच्चे कर्मचारियों को हम पक्का करना चाहते हैं। दिल्ली कैबिनेट कितनी बार प्रस्ताव पारित कर चुकी है कि इनको पक्का किया जाए, लेकिन उनको पक्का नहीं किया जा रहा। तो दिल्ली में लोकसभा का ये चुनाव है, ये पूर्ण राज्य के ऊपर इस बार चुनाव लड़ा जाएगा। दिल्ली के लोग मन बना चुके हैं। जैसे तेलंगाना के लोगों ने अपने लिए लड़ लड़ के अलग राज्य लिया था, उत्तराखंड के लोगों ने लड़ लड़ के अलग राज्य लिया था, झारखंड के लोगों ने लड़ लड़ के अलग राज्य लिया था, अब दिल्ली के लोग भी इसके लिए पूरा आंदोलन छेड़ेंगे और लड़ लड़ के दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे। उसी आंदोलन के अंदर ये दिल्ली का जो चुनाव है ये मामूली चुनाव नहीं है, ये उसी आंदोलन का हिस्सा है। और बीजेपी का जो ढकोसला है वो सामने आ गया। मनोज तिवारी ने कल बोला है कि अब वो दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के पक्ष में नहीं है। इससे साफ जाहिर है कि बीजेपी अभी तक लोगों को धोखा देती रही और बीजेपी का कोई मन नहीं था दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का। मोदी जी ने पिछले चुनाव के पहले खुद बोला था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य देंगे, लेकिन 5 साल के अंदर मोदी जी ने भी धोखा दिया। तो आज दिल्ली की जनता बीजेपी और कांग्रेस दोनों से जानना चाहती है कि वो अपना पक्ष साफ करें कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के ऊपर उनका क्या पक्ष है, और मोदी जी ये जवाब दें कि उन्होंने 5 साल के अंदर दिल्ली के लोगों को धोखा क्यों दिया। उन्होंने दिल्ली के लोगों को कहा था कि वो पूर्ण राज्य बनाएंगे, दिल्ली के लोगों को दिल्ली को पूर्ण राज्य नहीं बनाया। कोई क्वेश्चन अगर जितनी जानकारी आपके पास है।